राजनीति में कोई सका संबंध ही नहीं होता, क्या पता कब कोई अपना ही सत्ता और कुर्सी के लालच में सामने आ खड़ा हो। संगरूर के सुनाम विधानसभा सीट पर जीजा और साले में कांटे की टक्कर है। साला आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में है और जीजा उसी के सामने आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। खास बात यह है कि ये दोनों पिछले 15 वर्षों से सुनाम की सत्ता हासिल करने के लिए जंग लड़ रही हैं, पर परिवार की इस राजनीतिक लड़ाई में दोनों को ही हार नसीब होती है और इनकी परिवार की लड़ाई का लाभ कोई दूसरा ही ले जाता है। राजनीति एक ऐसा खेल है, कब अपने बेगाने बन जाएं या फिर आपके विरोध में आपके सामने ही चुनाव मैदान में आकर आपको चुनौती दे दें, ऐसा ही एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है पंजाब के संगरूर के विधानसभा क्षेत्र सुनाम में, जहां जीजा और साला आमने सामने हैं। साला ने कुर्सी की सिलाई में हाथ में झाड़ू पकड़ लिया है और जीजा जी ट्रैक्टर पर सवार हो गए हैं, या ऐसा कहें कि साला साहब आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि जीजा जी कांग्रेस से टिकट ना मिलने से नाराज कांग्रेस से बागी होकर आजाद चुनाव लड़ रही हैं। पहले जान लीजिए साला साहब के बारे में, जिनका नाम अमन अरोड़ा है और आम आदमी पार्टी की टिकट से अपनी सियासी पारी खेल रही हैं। पहले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते थे लेकिन जीजा की वजह से जीत हासिल नहीं हुई क्योंकि हर बार टक्कर देने के लिए सामने जीजा जी जो खड़े हो जाते थे। इस बार अमन को झाड़ू का सहारा है, गाँव में जाकर हर एक से मिलते हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, सामने जीजा जी जो मैदान में है। अमन अरोड़ा का कहना है कि जीजा जी कांग्रेस के बागी उम्मीदवार में उनका स्वागत करता हूं कि चुनाव लड़ें, वो मेरे जीजा जी हैं। कांग्रेस में रहते पहले भी वो कांग्रेस को हराने का काम करते थे और इस बार भी यही कर रहे हैं। अमन अरोड़ा कहते हैं कि रिश्तेदारी बहुत दूर चली गई है, जीजा जी अपने ससुराल घर में पिछले 15 साल से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। 2007 में भी उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया था। राजेंद्र दीपा कांग्रेस की ओर से टिकट ना मिलने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव निशान है ट्रैक्टर। राजेंद्र दीपा पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं लेकिन कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया। पहले जीजा साला दोनों ही कांग्रेस में थे, पार्टी टिकट साला साहेब जानी अमन अरोड़ा को देती थी। जीजा जी साला साहेब को टिकट मिलने से नाराज हो जाते थे और कांग्रेस को आंखें दिखा आजाद चुनाव मैदान में आ जाते थे। मन के खिलाफ टक्कर कैसी रहे? हाँ, मन एक बार सच्चा, जहाँ सच और हक है वो हमेशा ही सच जीतता है, तो हम सच्चाई पे खड़े हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। सच की जितनी भी, जबकि दुनिया चल रही है तो सच देर सवेर जरूर होती है लेकिन अंत में सच की जीत होती है। तो रिश्तेदार किसके साथ है? नहीं, रिश्तेदारी उन्होंने देखिए ऐसा है कि वो चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। वो अपने ससुराल घर में पिछले 15-16 साल से वो बैठे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये चीज़ें आज वो बड़े एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा ही अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया, इस बार भी वो करेंगे। सो रिश्ते रुश्ते वाली चीज़ें तो बहुत दूर जा ये मुकाबला जो आज माहौल आ वो आम आदमी पार्टी का माहौल आ, इको एक वोट आम आदमी के हक च पै रही है। ये जीजा साले की रिश्तेदारी है, जो जनता का जो माहौल बनया है वो सारा जो आम आदमी पार्टी ने एक वोट पाएगा, किसी को दूसरी पार्टी को भी दीपा विरोधता करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं। सारे बंदे को हम समझ आ गई, पढ़े लिखे हैं नौजवान, उन इसी बार इसको कोई मुंह नहीं लाएगा। कोई थोड़ा जी की विरोधता कर सके हैं दो बार 2007 और 2012 में, अब इनका कोई मुकाबला नहीं है, वो कांग्रेस के बागी कैंडिडेट हैं। अब इनका आम आदमी से जा अमन अरोड़ा से कोई मुकाबला नहीं है, हवा आम आदमी के बस में चल रही है। जीजा साले की टक्कर है, किस तरह का मुकाबला रहेगा? हाँ, ये बात सच है कि आज सुनाम में जिसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है जीजा साले में, कंटे की टक्कर है। क्या कहना चाहते हो सुनाम की इस लड़ाई में? अभी तक तो इस मुकाबले में दोनों की कांटा की टक्कर है, पर जो आम आदमी पार्टी में है अमन, वो खास है, उसको गलत टिकट दी है, उसने टिकट खरीदी है, और दीपा जी वो जो आम होकर भी खास जैसे काम कर रहा है। धुरी से जाट टीवी न्यूज के लिए हर्ष कौशल की रिपोर्ट।